जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे और भैरव बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2022 राशिफल के बारे में। मेष राशि से मीन राशि के विषय में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा जिनका जन्मदिन है, जिनके एनिवर्सरी है, क्या उपाय करना चाहिए और हर राशि के अनुसार मैं आपको एक उपाय बताऊंगा ताकि आपको इस दिन कौन सा उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। बुधवार 19 अक्टूबर 2022 मास कार्तिक नक्षत्र पुष्य, सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 5:47, चंद्र राशि कर्क राशि है, राहु काल 12:06 से 1:34 और तिथि नवमी है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब शुरुआत करने जा रहे हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जो बातें आपके लक्ष्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं उनको नजरअंदाज किया जाएगा और केवल अपने मार्ग पर टिके रहने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण कामों में परिवार के लोगों का साथ मिलने से तनाव कम हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ही सकारात्मक आपके साथ जो है भावना रह सकती है। शुभ रंग संतरी है, शुभ अंक आपका 9 है। आज आपको क्या उपाय करना चाहिए, गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। वृषभ राशि वाले परिवार के लोगों से अचानक से किसी विषय के बारे में विवाद उत्पन्न करने के कारण आपको तकलीफ हो सकती है। आप अपनी तकलीफ को किसी भी व्यक्ति के साथ ठीक से शेयर न करें, इस कारण हर किसी के साथ संबंध तनावपूर्ण जो बने रहेंगे। काम से संबंधित जो तकनीकी है समस्या आपकी बढ़ सकती है, अधूरा काम न छोड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग पीला है, शुभ अंक आपका 2 है। आज आप क्या करें, आज हरी मूंग की दाल कबूतरों को जरूर खिलाएं। मिथुन राशि वाले परिवार और काम में संतुलन बनाए रखें। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको काम के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को अपने प्रयत्नों का यश मिल सकता है। युवाओं के दिन खास हो सकता है। जो लोग खुद का बिजनेस या काम शुरू करना चाहते हैं उनको योग्य लोगों का साथ आज के दिन प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा है, शुभ अंक आपका 3 है। आज क्या करें, आज छोटी कन्या को कुछ ना कुछ दान जरूर दें। कर्क राशि वाले, आपको जितने भी स्रोत उपलब्ध है उन सभी का उचित उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश आप करेंगे। विचारों में सकारात्मकता बनी रहने के कारण आपके द्वारा बड़ा रिस्क लिया जा सकता है। आज के दिन हर एक काम में प्रगति और फायदा नजर आएगा। खासकर के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयत्न तुरंत सफलता देंगे। शुभ रंग सफेद है, शुभ अंक आपका 5 है। आज क्या करें, आज आप सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोम का पाठ करें। सिंह राशि वाले, आपके ऊपर बढ़ता हुआ जिम्मेदारी का बोझ और लोगों की अपेक्षा इन दिनों के कारण आप खुद के लिए व्यवहार कठोर बनता हुआ नजर आपको आएगा। अनेक प्रयत्न के बावजूद भी जिन बातों में आपको प्रगति नजर नहीं आ रही है ऐसी बातों को फिलहाल आप छोड़ दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है, शुभ अंक आपका 4 है। आज क्या करें, आज अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर जाए। कन्या राशि वाले, अपनी निरीक्षण क्षमता बढ़ाकर लोगों का ठीक से परीक्षण करना सीखने की जरूरत होगी। हर एक बात की खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेने के कारण व्यक्तिगत बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। पैसों के व्यवहार का जिक्र करते समय योग्य शब्दों का उपयोग करना आपको होगा। शुभ रंग नीला है, शुभ अंक आपका 7 है। आज छोटी कन्या को कुछ ना कुछ आज आप कुछ दान जरूर दें। तुला राशि वाले, खुद की हुई गलतियों का एहसास होने की वजह से आप गलत बातों से दूर रहने की कोशिश करेंगे और जीवन शैली को सुधारने के प्रयत्न भी आपके द्वारा किए जाएंगे। लोगों की संगत का असर आपके व्यक्तिगत पर तुरंत दिखता रहेगा, इसलिए अपनी संगत को सुधारने की कोशिश करनी होगी। काम से जुड़ा महत्वपूर्ण टारगेट पूरा होगा। शुभ रंग बैंगनी है, शुभ अंक आपका 6 है। आज क्या करें, आज आप सूर्य को जल जरूर दें।
वृश्चिक राशि वाले आप अपने लिए टारगेट निश्चित रखकर उससे जुड़े विचारों में रहना पसंद करेंगे। जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक आप बेकार के प्रॉब्लम से खुद को दूर रख पाएंगे। व्यक्तिगत बातों पर काम करने की वजह से जीवन का स्तर बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग ग्रे है, शुभ अंक आपका 1 है। आज क्या करें, आज मछलियों को आटा जरूर खिलाएं। धनु राशि वाले आपके जिद्दी स्वभाव के कारण आप कठिन परिस्थितियों को आसानी से मात दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी जिद के आगे आप महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करते हैं जो आपके लिए नुकसान का कारण बनता है। इस बात का अनुभव आज आपको आएगा। फिलहाल की परेशानी से आपको काफी कुछ मिल सकती है, इसलिए प्राप्त हो रही सीख का इस्तेमाल आपको करना होगा। शुभ रंग लाल है, शुभ अंक आपका 8 है। आज क्या करें, आज छोटी कन्या को कुछ ना कुछ दान जरूर दें। मकर राशि वाले सतर्कता बनाए रखने से कठिन काम में प्रगति मिलेगी। ये सफलता जीवन की दिशा बदलने के लिए महत्वपूर्ण होगी। आपको प्राप्त हो रहे यश के कारण आत्मविश्वास बढ़ने के साथ आपका खुद को देखने का नजरिया भी बदलता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग संतरी है, शुभ अंक आपका 8 है। आज क्या करें, शनि मंदिर जाइए और शनि पर आप तेल से उसका अभिषेक कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम श्याम शनिचराय नमः में इस मंत्र का आप जाप कीजिए। कुंभ राशि वाले उम्र में छोटे व्यक्ति से बड़ी सीख प्राप्त हो सकती है। किसी व्यक्ति के साथ बढ़ती हुई मित्रता आपके स्वभाव के अनेक पहलुओं को बेहतरीन करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मार्गदर्शन बनकर आपको योग्य राह दिखाएगा। काम से संबंधित स्किल को बढ़ाने के लिए खुद के द्वारा ही प्रयत्न आप करें। शुभ रंग गुलाबी है, शुभ अंक आपका 3 है। आज क्या करें, आज बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर जाएं। मीन राशि वाले बड़े काम को पूरा करने की खुशियां मनाई जाएगी। मित्र परिवार के अधिक करीब महसूस आपको होगा। पुराने मित्रों के साथ जुड़े का मौका फिर से आपको प्राप्त होगा। मौज मस्ती और खान पान पर अधिक पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन आज प्राप्त होने वाली खुशियां महत्वपूर्ण है, इसलिए पैसे संबंधित फिलहाल चिंता न करें। आज आपका जो शुभ रंग है पीला है, शुभ अंक आपका 6 है। आज क्या करें, आज आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी बाहर धार्मिक जगह पर घूमने जरूर जाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है, आज आपको क्या करना है, आज आपको गरीबों को कुछ ना कुछ दान जरूर देना है और कुछ भंडारा वगैरह भी आज के दिन आपको जरूर लगाना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और यदि कुंडली के अनुसार कोई भी सरल उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय भैरव बाबा की।